हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है, नीलम राणा, स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग वाले सुप्रभात, आप सभी को प्रणाम। मैं आरई राणा, स्वागत करती हूँ आपका पहाड़ों की हंसी बात में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह की 7:30 बजे। हाँ, और पहाड़ों के इन हसीन वादियों में, उन्हें हसीन वादियों में खिली हुई है गजब वाली धूप। और मैं एक बार आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ धूप की पहली किरण से, जो कि हमारे घर पे आएगी, तो उससे शुरुआत करूँगी। मैं जा रही हूँ अभी छत में। फिलहाल आरोही यहाँ पर चिल्ला रही है, तो आज मेरे साथ साथ आरोही ने भी ब्लॉग की शुरुआत की। एंड हर जगह देखो खतरनाक वाली धूप खिली हुई है। ये भादों के महीने की धूप जो होती है, ये येल्लो येल्लो सी होती है, ये देखो एंड बड़ी गजब सी दिखती है। इसको नंगे काट भी दीजिए। तो ये देखो गाइस, आ चुकी है धूप की पहली किरण हमारे घर की ओर। और हमारे घर पर करीबन, हाँ, बराबर 7:30 बजे धूप आती है। हाँ माते, ये भगवान जी परमेश्वर। आरोही में भी अतर छो जानो था। तो ऐसे भी हो रहा है पेंटिंग का काम दादी के घर पे। यहाँ पे आ रखे हैं मेरे दो भेजी दादी। तो अभी आ रखे दादी के घर पे कलर करने भेजी, दूसरे वाले भेजी। और यहाँ पे कलर एक बार का कर दिया है और दूसरी बार लगा लिया। पूरा पेंट हो चुका है इस साइड में। यहाँ पे देखो दादी का कद्दू लग रखा है इतना बड़ा वाला। ये देखो, वैसे हाथ नहीं लगाना चाहिए लेकिन आपको दिखा लेती हूँ। यहाँ से पूरा कर दिया है पेंट। और अभी पहले इसे सूखने का वेट कर रहे हैं, फिर इसके बाद लगाएंगे फिर से। यहाँ पे हैं भेजी, भेजी हेलो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमारी बहन को अच्छे कमेंट मिलने चाहिए, खूब सपोर्ट करें, खूब सपोर्ट, केक कटेगा। और भेजी बोल रहे हैं कि तूने 1K होने का केक नहीं काटा, 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने का। मैं कहा वो बाद में काटेंगे, अभी चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, 10,000 हिंदी लोग मेरे पास। तो गाइस, आज आपने सोचा होगा कि मतलब कि ये लोग दादी के घर पे कलर क्यों कर रहे थे। तो कलर्स हम इसलिए कर रहे थे वहाँ क्योंकि आप कुछ ही दिन बाद मैं दादाजी का श्राद्ध आने वाला है। मैं दादाजी गुजर गए थे तो मेरे बड़े दादाजी का श्राद्ध आने वाला है, तो इसलिए श्राद्ध के लिए मतलब पूरे घर पे कलर वगैरह करते हैं। तो दादी के रूम तो आप लोगों को पता है मिट्टी गए हैं, लेकिन जो ये है ना, क्या बोलते हैं, बाहर तो करना ही होता है कलर, तो बाहर कलर कर दिया है। तो मेरे दो भाई थे, मैं चाची औरों के लड़के और मैं थी, तो हम तीनों ने मिलकर कलर किया। मतलब भाइयों ने तो पहले कर लिया था बहुत सारा, मैंने ओनली दरवाजे पे किया और उन दोनों ने पूरा कर दिया था, और इसलिए ही हम कलर कर रहे थे। ये बात मतलब मैं उस टाइम नहीं बोल पाई क्योंकि मैं भूल गई थी बोलना जल्दबाजी में। और दरअसल मैं मतलब किसी के सामने भी, मतलब कोई भी हो, मेरे घर वाले हो या चाहे कोई बाहर वाले हो, मेरे भाई हो, कोई भी, मैं अभी भी किसी के सामने मतलब ऐसे ये फ़ोन लेके ऐसे वीडियो बनाने में वो नहीं हूँ। अभी मेरे को मतलब थोड़ी शर्म आती है, मेरे को अभी बोलने में इतनी हैबिट नहीं है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ी मतलब नर्वस हो जाती हूँ औरों के सामने। जैसे कि मेरी मम्मी, मेरी भाभी और मतलब मेरी यहाँ वहाँ की सारी भाभी, इनके सामने तो मैं हमेशा बनाती हूँ,
लेकिन जैसा होता है ना लोगों के सामने मुझे थोड़ी बनाने में दिक्कत होती है, तो अब मैं कोशिश तो ऐसे करती हूँ हर बार कि मैं बना पाऊँ, लेकिन देख मेरे को थोड़ी शर्म सी आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग मुझे खूब सपोर्ट करते हैं कि बनाया कर वीडियो, ऐसे बेझिझक बोला कर, ऐसे शर्माने का नहीं तेरे को, जब तू शर्माएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी, तो इसलिए मैं कोशिश तो खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा मैं नर्वस हो जाती हूँ सबके सामने कि कैसे बोलना है क्या बोलना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोगों का मेरे पे बहुत सपोर्ट रहता है। तो थैंक यू सो मच मेरे आल ब्रदर्स एंड मेरी भाभियाँ, क्योंकि मेरी भाभियों का भी बहुत सपोर्ट रहता है, जो भी यहाँ वहाँ के, घर वालों का तो हो है ही सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं फ़ोन उठा के वीडियो बनाती भी नहीं, लेकिन मेरी जो बाहर की भाभियाँ हैं, भैया लोग हैं मेरे यहाँ के ना, तो सब लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में, जहाँ पर मैं ऐसा नहीं होती कि बनाऊँ तो वहाँ पर मेरी भाभियाँ बोलती हैं कि बना क्यों नहीं बना रही तू, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोलता है कि बना यहाँ पे ये, बहुत सारे मेरे गांव के भी हैं जो कि बोलते हैं कि बनाया कर अच्छा होता है, अपने गांव के बारे में बोला कर, मतलब अच्छी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही नहीं है यूट्यूब ये सो, तो ये लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि नहीं। अब मैंने अब एक बार ठान ली है वीडियो बनाने की, तो मैं तो कोशिश ऐसे ही करती हूँ कि मैं मंजिल तक पहुँचूँ, लेकिन आप लोगों के बिना सपोर्ट के तो मैं पहुंच नहीं सकती, तो मेरी यूट्यूब फैमिली अगर मेरे को सपोर्ट करेगी तो मैं मंजिल तक तो क्या हम आसमान भी छू सकते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो गाइस टाइम हो चुका है 7, शाम की 7 बज चुकी है, और अभी देखो कुछ ऐसा हो रखा है मौसम, आज बारिश तो नहीं हुई लेकिन फिर भी मौसम ऐसा ही है, लोगों की आजू बाजू लाइट जल चुकी है और हमने भी लाइट जला दी है, और यहाँ पे बैठी हुई है आरोही और यहाँ पे भाभी जी हैं, तो भाभी जी सब्जी काट रही थी, तो कल की ब्लॉग में आपने भाभी को नहीं देखा होगा, तो भाभी गंजाली जा रखी थी डॉक्टर के पास, तो आज थोड़ा ठीक है उनकी तबीयत, और यहाँ नीचे से आ रही है बारिश फिर से रोज़ की तरह, और मम्मी और पापा पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, तो घर पर अभी हम तीनों हैं बस, वो दोनों पता नहीं कहाँ गए हैं, और अभी देखो हमारी लाइट लुइट भी जल चुकी हैं, और यहाँ वहाँ का व्यू भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब कि लोगों की थोड़ी बहुत लाइट्स तो जल चुकी हैं और थोड़ी बहुत नहीं जली हैं अभी, और यहाँ पे हमारी छोटी सी लाइट लगाई रहती है, और लोग भी इधर उधर से इकट्ठे अपने मतलब अपने घर की ओर आ चुके हैं, अगर कोई खेत जा रखा था, कोई कहीं भी जा रखा था घास घूस के लिए, तो सब अपने घर में आ चुके हैं, क्योंकि अब रात होने वाली है, तो खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस मैं अभी किचन में आ रखी हूँ, तो मैं किस लिए आ रखी हूँ, मैं आ रखी हूँ अभी आरोही के लिए दूध बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो सो जाएगी, तो मैंने सोचा पहले उसके लिए ज़रा सा दूध बना देती हूँ, फिर करेंगे और काम, क्योंकि बच्ची सो जाएगी तो रात को भूख लगेगी उसे, इसलिए मैंने सोचा पहले बेबी ज़रूरी है उसके लिए दूध बना देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया हमारी गाय तो बीमार है करीबन 3 महीने से, और दूध हम कहीं और से लाते हैं, किसी और के घर से लाते हैं, और दूध मतलब कि ऐसा होता है कि हमारा 1 किलो दूध लगा रखा है 1 लीटर, तो खास करके हमने आरोही के लिए ये लगाया है, होता है ना बच्चे दूध मांगते हैं, तो इसलिए हमने दूध भी वहाँ से लगा रखा है आरोही के लिए। फिलहाल मैं सोच रही पहले दूध बना देती हूँ, नहीं तो वो सो जाएगी, वो जल्दी सो जाती है, दिन भर खेल खेलते उसे थक लग जाती है, इसलिए वो जल्दी थक के मारे सो जाती है, तो पहले उसको दूध दे देंगे, फिर देखते हैं, पहले मैं एक बार उसकी तुत्ती लेके आती हूँ, मतलब दूध पीने वाली निप्पल। अरे यार लाइट चली गई। तो गाइस लाइट तो जा चुकी है और टाइम भी 7:30 हो चुके हैं, और अभी हमने टॉर्च का उजाला जगा रखा है और टीवी वाले रूम में ही बैठे हैं,
मैंने सोचा फिर इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, मेरी ब्लॉग देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, जैसे आपने मुझे खूब सपोर्ट किया है मेरी 10K होने पर, वैसे ही आगे भी मुझे खूब सपोर्ट करना। बाय बाय दोस्तों, और ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, बाय बाय।